तो कैसे हैं आप लोग? देख ही रहे हैं, बहुत ठंड हो चुकी है। एंड आप भी हमें कमेंट करके बताएं आप कौन सी सिटी में रहते हैं और वहाँ पे कितनी ठंड है। पर चंडीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा ठंड है, धूप दूर दूर तक नहीं आ रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली हमारी जो वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग डुप्लेक्स विला लेके आए हैं, इंडिपेंडेंट विला 4 BHK का। तो जिसमें आपको 3 बेडरूम नीचे और 1 बेडरूम ऊपर, साथ में ही ऊपर किचन मिलने वाला है। तो बहुत कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एलिवेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिवेशन। ओ माय गॉड, लुक एट द एलिवेशन गाइस। कुछ इस प्रकार का एलिवेशन हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कितना खूबसूरत और कितना यूनिक डिज़ाइन का ये एलिवेशन हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अभी बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन की हमने बात नहीं की है। तो लोकेशन है सेक्टर 123 सनी इनक्लेव नियर टू चंडीगढ़। एंड सेकेंडली हम बात करने वाले हैं आज जो पर्टिकुलर इस लोकेशन के बारे में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 123 है एंड सनी इनक्लेव मोहाली नियर टू चंडीगढ़। तो जैसा कि आप देख ही रहे, एलिवेशन आप देख चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं पार्किंग स्पेस की। सबसे पहले तो पार्किंग स्पेस जो आपको मिलने वाला है, बहुत ही अमेजिंग पार्किंग स्पेस आपको मिल रहा है, क्योंकि 2 बड़ी गाड़ियां आप अंदर पार्क कर सकते हैं। वो हम अंदर चल के देखेंगे कि ये जो बर्म एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपकी 2 बड़ी गाड़ियां आराम से पार्क हो जाएंगी। इतना ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। एलिवेशन आप देख चुके हैं। काम देखिए, अगर आप काम की बात करें तो काम बहुत ही अलग हो रखा है इस घर में। तो सीधा आपको ना इंतज़ार करवाते हुए घर के अंदर मैं लेके जाना चाहूँगी। तो चलिए इस घर को पूरा एक्सप्लोर करते हैं आज, देखते हैं इस घर को। मेरे साथ आप बने रहें इस वीडियो में एंड तक। तो जैसे ही हम अंदर पहुँचेंगे, ये आपका एक और पार्किंग स्पेस आ जाता है जहाँ पे आपकी 2 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी। गाइस देखिए, इधर आपकी अंदर को 1 गाड़ी पार्क होगी, यहाँ आप 1 गाड़ी पार्क कर सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ अगर स्पेस देखें ये वाला, तो अगर आपके पास 2 व्हीलर है, साइकिल है, एक्टिवा है, बाइक है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे अपना पार्क कर सकते हैं। बाइक, एक्टिवा, साइकिल, गाड़ियाँ, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कितना स्पेस है यहाँ पे पार्क करने के लिए। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। और अगर आप देखेंगे, आपकी एंट्री पे भी आपको फॉल सीलिंग मिल रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। यूजली देखने को नहीं मिलता है घरों में कि एंट्री पे भी आपको फॉल सीलिंग मिले विद LED लाइट्स। एंड उसके बाद सीधा मैं आपको लेके चलती हूँ घर के अंदर। तो घर के अंदर जाने से पहले ये देखिए, यहाँ पे आपको मैश डोर मिल रहा है, एक काफ़ी खूबसूरत सा मैश डोर है यहाँ पे। देन उसके बाद आपको वुडन का डोर भी यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए, ये आपको वुडन का डोर भी यहाँ पे मिल रहा है। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं घर के अंदर। तो घर के अंदर आके सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैमिली लाउंज एरिया। तो चलिए फैमिली लाउंज एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। मुझे देखिए, आप एक बार नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, ये बहुत ही यूनिक सा लग रहा है यहाँ पे। तो ये आपके फैमिली लाउंज एरिया में जो पार्टीशनिंग की गई है, बहुत ही अलग पार्टीशनिंग यहाँ पे की गई है। तो जैसे ही आप आएंगे अंदर, ये देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल की, तो काफ़ी यूनिक वॉल यहाँ पे आपको मिल रहा है, काफ़ी यूनिक सा वॉलपेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग देखिए गाइस, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे आपको LED लाइट्स विद वुडन की फॉल सीलिंग मिल रही है। देन उसके बाद हमारा ये देखिए विंडो आपको मिल रहा है यहाँ पे, बड़ी सी विंडो मिल रही है, साथ में मैश विंडो भी मिल रही है यहाँ पे, ताकि आपको वेंटिलेशन प्रॉपर आता रहे एंड सनलाइट प्रॉपर आता रहे आपके रूम फैमिली लाउंज एरिया में। तो गाइज, ये हमारा फैमिली लाउंज एरिया देख चुके हैं। मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जैसे ही हम फैमिली लाउंज एरिया से बाहर आते हैं, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया आपका है डाइनिंग एरिया। तो ये यहाँ पे आप अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें वॉल की, तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक वॉलपेपर आपको यहाँ पे मिल रहा है वॉल पे। तो ये एक्चुअल वॉल है, वॉलपेपर भी नहीं है गाइज। तो उसके बाद आप यहाँ देखिए, ये है आपका TV पैनल एरिया।
देन उसके बाद हम देख लेते हैं फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग देख ही रहे हैं आप, काफ़ी अमेजिंग फॉल सीलिंग, वुडन की फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। एंड गाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको एक बात नहीं बताई, जो घर का साइज है 250 गज में बना हुआ ये घर है। एंड आप इसमें देखेंगे काफ़ी स्पेशियस एरियाज हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं ऑलरेडी। तो जो भी इस घर में आपको देखने को मिल रहा है सब आपको इंक्लूडेड मिलने वाला है। तो जो इसका प्राइस है वो आप डिस्क्रिप्शन में देख ही लेंगे। तो गाइज, ये था हमारा डाइनिंग एरिया। फैमिली लाउंज एरिया हम देख चुके हैं, डाइनिंग एरिया हमने देख लिया है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो इसके बाद बारी आती है हमारे बेडरूम्स को देखने की। तो चलिए, यहाँ से आपका बेडरूम का जो रास्ता है वो यहाँ से है। तो बेडरूम में जाने से पहले आप ये एरिया जो देखेंगे, ये है आपका स्टोर रूम। इसको आप या तो एज अ स्टोर रूम रख ले या एज अ पूजा रूम रख ले, एज डिपेंड ऑन यू। अभी फ़िलहाल के लिए घर अभी अभी ये कुछ दिन पहले बन के रेडी हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए हम आते हैं सीधा बेडरूम में। तो ये देखिए गाइस, ये है आपका बेडरूम जिसकी एंट्री आपको सेपरेटली बाहर से मिल रही है। अगर यहाँ पे ये नोटिस करेंगे तो ये बाहर से एंट्री आपको मिल रही है। इसको आप या तो एज अ बेडरूम रख लें या फिर आप अपना ऑफिस स्पेस भी बना सकते हैं। जो आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, ओमरीगोन भी समथिंग कुछ नया सा एक वायरस आ चुका है, तो उस वक्त में आप लोगों को हर किसी का वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, तो आप इस एरिया को वर्क फ्रॉम होम एरिया की तरह यूज़ भी कर सकते हैं, एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फॉल सीलिंग। ये देखिए गाइस, इस प्रकार की आपको फॉल सीलिंग मिल रही है यहाँ पे विद LED लाइट्स। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका टीवी पैनल एरिया। ये है आपका टीवी पैनल एरिया, साथ में ही आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको मिल जाते हैं, या तो आप बुक्स रख लें यहाँ पे या कोई एंटिक पीसेस रख लें, बहुत ही यूनिक लगता है उसकी वजह से। देन उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे विंडो, जो कि आपको विंडो मिल रही है, मैश विंडो भी मिल रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ग्लास का विंडो भी मिल रहा है ताकि वेंटिलेशन और सनलाइट प्रॉपर आपको मिलता रहे। उसके बाद हम चलते हैं वॉशरूम को देखने। तो चलिए वॉशरूम देखते हैं। ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम। देखिए, उससे पहले ना आपको यहाँ पे वार्डरोब एरिया मिल रहा है। ये है आपका वार्डरोब एरिया, तो गाइज ये इंक्लूड रहेगा। तो देखिए, ये है वॉशरूम। अभी फ़िलहाल के लिए बाथरूम फिटिंग्स की नहीं गई हैं, बाथरूम फिटिंग्स करनी रह गई हैं अभी। उसके बाद आप देख चुके हैं फॉल सीलिंग आपको आपके वॉशरूम में भी मिल रहा है। ये देखिए, फॉल सीलिंग मिल रहा है यहाँ पे आपको। अब हमने हमारा फर्स्ट बेडरूम तो देख ही लिया है, अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम को देखने। तो चलिए सेकंड बेडरूम देखते हैं। ओह माय गॉड गाइस, ये देखिए, ये है आपका सेकंड बेडरूम, देख सकते हैं आप। तो गाइज, ये वॉल तो आपने देख ही ली है। देन उसके बाद हमें मिल रहा है हमारा यहाँ पे टीवी पैनल एरिया। ये देखिए, ये टीवी पैनल एरिया जहाँ पे ना आप कोई भी साइज का अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं आराम से। देन उसके बाद फॉल सीलिंग, अगर आपने देख ली है तो दोबारा देख लीजिए एक बार। ये है फॉल सीलिंग, देख सकते हैं आप, एज इट इज़ मिलने वाली है। वुडन की फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है विद LED लाइट्स। और अगर बात करें हम विंडो की, तो ये विंडो यहाँ पे मिल रही है, मैश विंडो भी आपको मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए। अभी मैं आपको सीधा बैकयार्ड को लेके चलती हूँ। यहाँ से आपके सेकंड बेडरूम से आपके बैकयार्ड की एक्सेस है, तो चलिए बैकयार्ड देखते हैं। तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे होंगे आपको एक मैश डोर मिल रहा है और एक वुडन का डोर मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ताकि वेंटिलेशन मिलता रहे आपको, सनलाइट मिलता रहे। तो ये देखिए, ये है आपका बैकयार्ड, काफ़ी स्पेशियस बैकयार्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसे आप अपना एज अ वॉशिंग एरिया बना सकते हैं। यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे अभी फिटिंग्स होनी बाकी है। तो अभी सीधा हम चलते हैं घर के अंदर दोबारा। चलिए गाइज, वॉशरूम देखते हैं हम, हमारा अटैच्ड वॉशरूम। उससे पहले ये देखिए, वार्डरोब एरिया आ जाता है हमारा। ये है हमारा वार्डरोब एरिया, और अगर वहाँ देखें तो सामने आपको मिरर भी मिल रहा है, ड्रेसिंग एरिया जो कि कहते हैं हम, ड्रेसिंग एरिया आपको मिल रहा है। देन ये आ गया आपका अटैच्ड वॉशरूम। ये देखिए, ये है आपका अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ पे भी अगर देखें हम, तो फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे भी मिल रही है एज वेल।
गाइस ये बेडरूम भी हम देख चुके हैं, दो बेडरूम्स हमने देख लिए हैं, तीसरा बेडरूम हमने देखने जाना है, तो चलिए तीसरा बेडरूम देखते हैं। तो ये देखिए गाइस कितना स्पेशियस बेडरूम आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने को। फॉल सीलिंग की बात की जाए तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको फॉल सीलिंग मिल रही है, वुडन की फॉल सीलिंग आपको इंक्लूडेड यहाँ पे मिल रही है। देन ये देखिए वॉल देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट वॉल देखने को मिल रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हमारे वार्डरोब्स की। ये देखिए वार्डरोब्स आपको मिल रहे हैं विद स्लाइडिंग डोर, ये देखिए गाइस। तो यहाँ पे आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है कि आपके पास बहुत सामान है और स्टोरेज की कोई जगह नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। काफ़ी अच्छा स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टीवी पैनल एरिया, ये देखिए जहाँ पे आप अपना कोई भी साइज़ का टीवी इंस्टॉल करें आराम से। उसके बाद चलते हैं सीधा विंडो की तरफ, यहाँ पे भी आपको विंडो मिल रही है ताकि आपको सनलाइट मिलता रहे, वेंटिलेशन मिलता रहे। वेंटिलेशन के लिए गाइस स्पेशली यहाँ पे देखिए जो मैश विंडो है वो भी आपको मिल रही है ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता रहे। और ये है हमारा अटैच्ड वॉशरूम, ये देखिए फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। तो गाइस सारे बेडरूम्स हम देख चुके हैं, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे जितने बेडरूम थे, तीन बेडरूम आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहे हैं, वो सारे बेडरूम्स हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अब बारी आती है हमारे किचन को देखने की। तो हम किचन अभी तक देखा, हमने किचन देखा नहीं है, तो किचन चलते हैं सीधा। ये देखिए गाइस ओपन किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ओपन फुल्ली मॉड्यूलर किचन, ओपन किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने को। देखिए काफ़ी सारे कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें फॉल सीलिंग की तो फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल रही है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको विंडो भी मिल रही है, विंडो मिल रही है, मैश विंडो मिल रही है ताकि आपको सनलाइट प्रॉपर और काम करते वक्त वेंटिलेशन मिलता रहे, ताकि को काम करते वक्त आपको कोई इशू ना आए। तो गाइज हमने हमारा ग्राउंड फ्लोर तो पूरा कवर कर ही लिया है, किचन भी आपने देख लिया, फैमिली लाउंज देख लिया, बेडरूम्स देख लिए, डाइनिंग एरिया देख लिया, सब कुछ हम देख चुके हैं। तो अब बारी आती है हमारे फर्स्ट फ्लोर पे जाने की, जिसकी स्टेयर्स बाहर से ही हैं। तो आप देख सकते हैं बाहर से स्टेयर्स होने का फ़ायदा क्या है, एक फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ। एक फ़ायदा ये है कि इन केस इन फ्यूचर आप अपना ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला जो पार्ट है, आप रेंट आउट करना चाहें तो रेंट आउट भी हो जाएगा। तो इससे क्या है, इनकम आपको मिलती रहेगी। तो चलिए ऊपर चलते हैं सीधा, यहाँ ये स्टेयर्स हैं जो हमने यूज़ करनी है, तो आ जाइए। तो गाइज ऊपर हम पहुँच चुके हैं, हमारे फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुँच चुके हैं, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, वन बेडरूम देखने को मिलने वाला है, किचन हमें देखने को मिलने वाला है, तो बहुत कुछ हमें देखेंगे, हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ फॉल सीलिंग की अगर बात की जाए तो एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग मिल रही है एंट्री पे ही। नीचे भी आपने नोटिस किया कि नीचे भी आपको एंट्री पे फॉल सीलिंग मिल रही है, यहाँ पे भी एज इट इज़ फॉल सीलिंग आपको मिल रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बालकनी की, ये देखिए ये है आपकी बालकनी। अगर हम बात करें आसपास में जो एरिया है उसकी, तो आसपास में एरिया भी हम देख लेते हैं। ये देखिए एरिया आप देख सकते हैं, फुल्ली डेवलप एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो सारे के सारे कमर्शियल मार्केट्स हमें हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाते हैं। तो अभी चलते हैं सीधा घर के अंदर, जो हमने वन बेडरूम देखना है तो हम वन बेडरूम देखते हैं, आ जाइए। तो देखिए गाइस सबसे पहले आपको मिल रहा है यहाँ पे भी मैच डोर, देन उसके बाद वुडन का डोर, ये देखिए। तो आ जाइए सीधा घर के अंदर। तो जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होंगे, ये देखिए ये आ जाता है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। यहाँ पे अगर ये जो स्पेस है ये आप ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर बात करें फॉल सीलिंग की तो एज इट इज़ आपको फॉल सीलिंग, वुडन की फॉल सीलिंग मिल रही है। और ये देखिए ये किचन, ये है आपका फुल्ली मॉड्यूलर ओपन किचन जो कि आपको मिल रहा है। कैबिनेट्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारे कैबिनेट्स यहाँ पर मिल रहे हैं ताकि कोई आपको स्टोरेज की इशू ना हो। उसके बाद चलते हैं सीधा बेडरूम को देखने। तो गाइज हम देखने आए हैं हमारा फर्स्ट, जो ऊपर फर्स्ट बेडरूम है, ये देखिए ऊपर। अगर हम बात करें फॉल सीलिंग की तो फॉल सीलिंग आपको एज इट इज़ मिलने वाली है, वुडन की फॉल सीलिंग। तो ये देखिए ये आपको वन बेडरूम ऊपर भी मिल रहा है, तीन बेडरूम आपको नीचे मिल रहे हैं। और ये देखिए ये है आपका टीवी पैनल एरिया,
अगर आप कोई भी टीवी इंस्टॉल करना चाहते हैं आराम से हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए, ये आ जाता है आपका वार्डरोब एरिया, यहीं पे ही आपको आपका ड्रेसिंग एरिया भी मिल रहा है। वार्डरोब्स की बात करें तो स्लाइडिंग डोर के साथ वार्डरोब मिल रहा है आपको यहाँ पे। और ये है आपका अटैच वॉशरूम, ये देखिए। तो गाइज ये है आपका अटैच वॉशरूम, फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। गाइज आपके फर्स्ट फ्लोर पे आपको बहुत कुछ देखने को मिला, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, किचन और वन बेडरूम, साथ ही साथ आपको मिल रहा है टेरेस आपका। ये देखिए, ये है आपका टेरेस एरिया, कितना बड़ा टेरेस एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है गाइज, कितना स्पेशियस टेरेस एरिया है ये। इन फ्यूचर अगर आप मैप पास करवा लें तो यहाँ पे भी आप एक और फ्लोर बना सकते हैं ऊपर, तो ये देख सकते हैं। ऊपर की बात करें, ऊपर भी आपको टेरेस मिल रहा है। तो इतना स्पेस है इस घर में, 250 गज के बने हुए इंडिपेंडेंट ये घर में इतना स्पेस है। यहाँ पे आप कोई गैदरिंग कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, तो आराम से लोग यहाँ पे आ जाएंगे, 25 से 30 तो लगभग आराम से आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो गाइज ये था हमारा 250 गज में बना हुआ इंडिपेंडेंट विला, डुप्लेक्स विला आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो लोकेशन की दोबारा मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ। लोकेशन है सेक्टर 123 सनी इनक्लेव मोहाली, नियर टू चंडीगढ़। एंड आपने फुल वीडियो तो देख ही ली है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। और नेक्स्ट आप फ्लैट में देखना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट विला में देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें, स्टे सेफ गाइज। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।